नमस्कार स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में तो स्टूडेंट इस वीडियो में आप सभी को बी एल आई ई टू टू एट का अगला लेक्चर यूनिट सेवन जो कि ब्लॉक सेकंड से है और ये ब्लॉक सेकंड का लास्ट लेक्चर है तो इसमें यूनिट सेवन को मैं कवर कराऊंगा जो कि इन्फॉर्मेशन एनालिसिस एंड एन कंसोलिडेशन कौनसौल, प्रोडक्ट है इससे पहले जो दो जो लेक्चर थे उसमें हमने इन्फॉर्मेशन एनालिसिस पढ़ा सिक्स यूनिट में इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन पढ़ा और इसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन एंड इसका प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें से क्या क्या आता है जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट हैंडबुक ट्रेंड रिपोर्ट टेक्निकल डाइजेस्ट इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को तो Uh, इसमें है जैसे कि डिफरेंस कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड प्रोडक्ट तो इसके अलग अलग टाइप ऑफ आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ़ इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट तो ये सब जितने भी नीचे लिखे हुए हैं द मेजर टाइप इंक्लूड्स रिव्यू रिपोर्ट डेटा डेटा बेस टेक्निकल राइटिंग हैंडबुक क्रिटिकल स्टडी एंड रिक्वेस्ट तो ये कुछ टाइप्स uh, हैं जो कि आपके इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रिव्यू क्या होता है रिपोर्ट क्या होता है डेटा क्या होता है ये सब आपको पता होगा तो फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना फिर इसमें और कुछ ख़ास है नहीं उसके अलावा इस यूनिट में आपको क्या देखने को मिलेगा टू नो मोर अबाउट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट तो उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट है जैसे कि रिव्यू एंड रिलेटेड प्रोडक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट हैंडबुक स्टेटिस्टिकल रिव्यू ट्रेंड रिपोर्ट एंड टेक्निकल डाइजेस्ट तो इसको भी हम इसमें कवर करेंगे तो रिव्यू एंड रिलेटेड प्रोडक्ट रिव्यू होता है क्रिटिकल इवेल्यूएशन ऑफ़ एनी बुक एनी डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका अगर हम रिव्यू करना चाहते हैं तो क्रिटिकली जो इवेलुएट करके जो प्रोडक्ट आता है उसको रिव्यू करते इट इज़ नॉट जस्ट अ समरी और अ बुक रिव्यू वो कुछ थोड़ा हटके होता है रिव्यू की बात करें तो उसको बहुत अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जैसे कि उसके लेंथ के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं इसके अंदर तो ये सारे रिव्यू हैं तो रिव्यू का रेंज की बात करें तो शॉर्ट रिव्यू आर्टिकल होता है पब्लिश्ड इन अ जनरल और टू अ रिव्यू मोनोग्राफ और मल्टी वॉल्यूम मतलब इसके बहुत सारे वॉल्यूम भी यहाँ पे पब्लिश होते हैं तो ये कुछ रिव्यू से रिलेटेड हैं अब रिव्यू के यहाँ पे टाइप भी देखने को मिलेंगे जैसे कि ओकेशनल रिव्यू हो गया एनालिटिक और कंस्ट्रक्टिव रिव्यू हो गया ये कुछ ये टाइप है उसके अलावा आपको बिबलोग्राफी एंड इंस्ट्रक्शनल रिव्यू देखने को मिलेगा तो इसको एक बार देख लें आप फंक्शन एंड यूज़ ऑफ़ रिव्यू अब रिव्यू के फंक्शन क्या है और उसके यूज़ क्या है यहाँ पे बात करें इसकी तो देर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन एंड यूज़ ऑफ़ रिव्यू दो टाइप ऑफ फंक्शन और यूज़ है रिव्यू के एक हिस्टोरिकल और एक है कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल में क्या आता है दो विच आर फंडामेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट और टॉपिक मतलब फंडामेंटल क्या होता है बेसिक जिसके कारण जिसके वजह से मतलब जो नीव रखता है जिसने नीव रखा रिव्यू का या फिर किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ है अगर जैसे मान लीजिए हमारा लिटरेचर ही है तो उसका फंडामेंटल बेस क्या है उसका जो एंशेंट डॉक्यूमेंट है वो है उसके उससे फिर आ, इमर्ज होते होते आज हमारे पास इतने सारे एन नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू लिटरेचर तो उसी तरीके से यहाँ पर है फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी की बात, बात करें तो प्रेजेंट डे से रिलेट करता है इसमें क्या आता है बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल ओनली वो सिर्फ इंडिविजुअल को बेनिफिशियल प्रोवाइड करता है तो हिस्टोरिकल और सब्जेक्ट फंक्शन में जो पुराने जो चीज़ें थी जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था जो इमर्ज हुआ था उसने एक तरह से मतलब हमारे प्राइमरी डॉक्यूमेंट की तरह सर्व किया जिसने आज के जो हमने जिसको हमने बेस मान के हम आज का जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स हमने प्रोड्यूस किया है वो सब हमारे यूज़ में आता है तो उसको हमने रिप्लेस करके फिर कंटेम्प्रेरी का आ, मतलब यूज़ करना शुरू किया और फिर यहाँ पे देखा गया कि करंट अवेयरनेस बहुत सारे सब सब फील्ड आ गया इसमें सर्चिन ऑफ अल्टरनेटिव टेक्निक आ गया बैकअप फॉर अदर लिटरेचर सर्च आ गया बहुत सारी इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी न्यू न्यू टूल्स एंड टेक्निक आ गए जिसके वर्ष आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उसके वेरियस फॉर्म आ गए जैसे आपको टेक्निकल जो क्या बोलते हैं जैसे कि आपको सॉफ्ट कॉपी देखने को मिलता है हार्ड कॉपी देखने को मिलता है तो ये सब क्या है कंटेम्प्रेरी से रिलेट करता है इसमें फीडबैक का भी मतलब चीज़ें थी उस टाइम में जो था हिस्टोरिकल में ऐसी कुछ था नहीं फिर प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन ये आप रहें मेथड्स ऑफ अ रिव्यू कौन कौन से मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं इवेलुएट करने के लिए रिव्यू को द एडिशनल क्राइटीरिया आर डिस्कस फिलो यहाँ पे कम कम्प्लीटनेस कम्प्लीटनेसपेक्टिव एनालिसिस सिंथेसिस वैल्यू एडिड ये कुछ uh, यहाँ पे एडिशनल क्राइटीरिया है जो कि हमें यहाँ पे मैथड्स ऑफ इवेल्यूएटिंग रिव्यू में देखने को मिलेगा उसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि एनुअल रिव्यू हो जाता है एनुअल रिव्यू क्या होता है जैसे मान लीजिए हमारा जो कंट्री का जो जीडीपी है उसको एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से एनुअल रिव्यू है जो हमारे पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ कहाँ से क्या आया बाहर से कितना आया हमने एक्सपोर्ट कितना कराया इम्पोर्ट कितना किया हमने तो ये सब का लेखा जो का हमारे विद इन द कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ किस चीज़ से कितना हमें फ़ायदा हुआ प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी तो ये सब मिला के एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसी को एनअल रिव्यू बोला जाता है जनरल टाइप पॉपुलर जनरल एडवांस टाइप प्रोग्रेसिव टाइप ये सब कुछ ऐसे टाइप ये सब रिव्यू के कुछ प्रकार आपको देखने को मिलेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट अब स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट जो है एक पॉपुलर कैटेगरी है रिव्यू का विच डू नॉट हैव एनी ऑल एन कंपासिंग स्कोप एंड हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन तो इसकी बात करें तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल uh, मतलब ओरिएंटेशन uh, से ये रिलेट करता है रिव्यू कंसनट्रेटिंग ऑन द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एंड लिटरेचर इन अ गिवन सब्जेक्ट और टॉपिक एक पर्टिकुलर गिवन सब्जेक्ट और टॉपिक पे द मेन पर्पस ऑफ स्टार्ट स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट इज टू डिस्क्राइब अ वेरी रीसेंट सिचुएशन बहुत ही हाल फिलहाल का कोई रीसेंट सिचुएशन जो कि करंट से रिलेट करता हो उसको डिस्क्राइब करना इन अदर वर्ड अगर इसको अल, अलग मतलब शब्दों में देखें तो दे आर द टाइम लाइन देन ट्रेडिशनल रिव्यू ये एक टाइम लाइन है जो कि ट्रेडिशनल रिव्यू से रिलेट करता है आपको द स्टेट ऑफ़ द आर्ट इज़ यूज मोस्टली इन रिलेशन टू टेक्निकल टॉपिक्स टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स से ही ये रिलेट करता है ज़्यादातर एंड बिजनेस एंड कॉमर्स तो ये सारी आपको इसमें देखने मिलेगा फिर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें हैं जो कि जनरली हाईलाइट किया जाता है जैसे कि टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट फिर यूज़र एस्पेक्ट फिर मैनेजमेंट एस्पेक्ट तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट है जिसको देख के ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो होता है इसमें फिर मार्केट रिपोर्ट आ गया फिर मार्केट रिपोर्ट वही होता है जो मार्केट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके पूरे कब जैसे कि मान लीजिए सेंसस की बात करें एक तरह से तो मार्केट एक तरह से मार्केट रिपोर्ट की ही बात वो हर रोज का सेंसस जो है वो कभी अप आ जाता है कभी डाउन जाता है तो वो एट द एंड ऑफ द डे हमें पूरा पता चलता है कि कौन सा निफ्टी कितना आगे बढ़ा चलिए तो थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड है आपकी बुक के बात करें तो कई सारी बुकें होती हैं जो बहुत महंगी होती है कई सारी बुकें सस्ती होती हैं तो सबका एक तरह से रिव्यू बनाना या फिर आ, आ, कितनी सारी बुकें होती हैं जिनका बहुत सारे वॉल्यूम होते हैं तो उनका एक रिव्यू बनाना कि कौन से वॉल्यूम में क्या खास है कौन कैरेक्टर है क्या है तो ये सब एक तरह से रिव्यू बनाना फिर स्टेटिस्टिकल रिव्यू जो होता है एक कंक्रीट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन देता है जैसे कि आपका डेमोग्राफिक हो गया टेक्निकल मार्केट साइंटिफिक एंड अदर एरिया से रिले रिलेट करके आपको चीज़ों को बताता है हैंडबुक हो गया हैंडबुक भी एक तरह से रिव्यू होता है देखिए हैंडबुक कंस्टिट्यूट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रिव्यू एक तरह से ये भी एक रिव्यू होता है हैंडबुक आर वेरी पॉपुलर एंड देन वाइड स्प्रेड यूज एन मार्केट तो इसलिए ये थोड़ा पब्लिश हो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और इसका बहुत ज़्यादा यूज हो गया मार्केट में देखा जाए तो द अपील ऑफ द हैंड बुक इज़ दैट इट इज़ अ रेडी रेफरेंस बुक एक तरह से इसकी बात करें तो एक रेडी रेफरेंस जो बुक है इस तरीके से ये काम करता है देंड बुक इज़ अ रिव्यू कंस्ट्रेनिंग ऑन क्रिटिकल डेटा वो एक तरह से क्रिटिकल डेटा पे फेकस फोकस करता है जैसे कि केमिकल स्ट्रक्चर मैथमेटिकल फार्मूलास एंड लाइक वाइज तो ऐसी चीज़ों को ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता है तो टाइप ऑफ अगर हम बात करें हैं हैंडबुक के तो इसमें कौन कौन से टाइप हैं जैसे कि कंपाइलेशन ऑफ क्रिटिकल डेटा एंड फार्मूले फॉर्मूलेट ऑन स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रोसेस ऑब्जर्वेशन तो एक कुछ uh, जो कंपाइल करना क्रिटिकल जो क्रिटिकल डेटा है उनको कंपाइल करना एक स्पेसिफिक सब्सटेंट uh, के साथ प्रोस, प्रोसेस के द्वारा ऑब्जर्वेशन के द्वारा फिनोमिना टाइप ऑफ हैंडबुक आर मोस्टली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये डील करता है उसके अलावा सेकेंड टाइप की बात करें हैंडबुक का आर दोज विच कंटेन गाइडलाइन गाइडलाइन कंटेन करता है फॉर एक्सेप्टेड टेस्टेड एंड रिकमेंडेड प्रोसीजर एंड प्रोसेस जो कि जैसे कि जो एक्सपेरिमेंटेड हो गया है जो टेस्टेड हो गया है और जो कि रिकमेंडेड है एक प्रोसीजर है प्रोसेस के द्वारा उसी को ये टाइप टू में आता है हैंडबुक अब टाइप थ्री की बात करें आ दो स्टैट कंटेन डिस्क्रिप्टिव इसमें डिस्क्रिप्टिव चीज़ें आती हैं एंड रेफरेंस टू स्टैंडर्ड जिसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है टू टू अप्लाई कंपनीशिंग थिंग्स एक्चुअली uh, अब इसे एग्जाम्पल की बात करें तो लाइब्रेरी बायो सेफ्टी मैनूल पब्लिश बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो एक तरह से ये भी एक uh, टाइप है इसका थर्ड टाइप का ट्रेंड रिपोर्ट की बात करें अ ट्रेंड रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आई ए सी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एनालिसिस कॉन्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उसको यहाँ पर ट्रेंड रिपोर्ट बताता है दे प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ न्यू डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन एनी सब्जेक्ट कोई भी न्यू डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से आ, होता है तो उस वो ट्रेंड करता है तो ट्रेंड रिपोर्ट वही बताता है और ट्रेंड रिपोर्ट मे ऑल्सो बी कंस्टेन अजफ़फुल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन सर्विस एक तरह से वो यूजफुल डॉक्यूमेंटेशन सर्विस भी प्रोवाइड करता है तो ट्रेंड रिपोर्ट आपको समझ में आ गया फिर नीड फॉर ट्रेंड ट्रेंड रिपोर्ट की बात करें इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन And with uh, uh, profile profilation of document in one, uh, in any one subject, the existing documentation service like indexing and abstracting are not adequate to meet the specific demand of the specialized reader. एक तरह से बात करें जो इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन इतना हो गया है कि लोगों को मतलब मतलब की चीज़ें जो कि ट्रेंड में चल रही हैं उसको उसको हाईलाइट करने के लिए कुछ मतलब चाहिए था जिसको हमें ट्रेंड रिपोर्ट बताता है तो नीड इसी की यही है कि जितने भी मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो उसको हाईलाइट करता है ट्रेंड रिपोर्ट फिर प्रिपरेशन आप एक बार पढ़ लेना इसमें कुछ खास है नहीं फिर उसके बाद आता है टेक्निकल डाइजेस्ट टेक्निकल डाइजेस्ट क्या होता है अब इसको देखते हैं यहाँ पे हम तो यहाँ पे अगर डाइजेस्ट की बात करें डाइजेस्ट क्या होता है शॉर्ट रिटर्न रिपोर्ट एक छोटा सा रिटर्न रिपोर्ट होता है क्या जो कि प्रोवाइड करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लार्जर पीस ऑफ राइटिंग और शॉर्ट शॉर्ट रिटर्न रिपोर्ट कंटेनिंग रीसेंट न्यूज जो कि ये बड़ी मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ में से एक छोटा चो, सा जो कि मतलब एक ग्लैंस देता है रीसेंट न्यूज का वो वो होता है हमारा डाइजेस्ट अब डाइजेस्ट आपको पता चल गया तो टेक्निकल डाइजेस्ट क्या होगा जो कि टेक्निकल चीज़ों से रिलेट करके आपको इन्फॉर्मेशन देगा तो नीड की बात करें तो नीड इसके हर चीज की कुछ ना कुछ नीड होती है तो इसकी क्या नीड है जैसे कि यहाँ पे बोले तो वाइड स्प्रेड कैटरिंग थ्रू नंबर ऑफ सोर्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर टेक्निकल वर्कर एंड पीपल एम्प्लॉज इन इंडस्ट्री टू कीप अब्सट्रैक्ट ऑफ डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द फील्ड ऑफ दी स्पेशलाइजेशन मतलब कि जितने भी लोग टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड रिले है उनको अपडेट करने के लिए टेक्निकल डाइजेस्ट का टेक्निकल टेक्निकल डाइजेस्ट जो है वो बहुत हेल्प help, हेल्पफुल मतलब रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लाइक टेक्निकल डाइजेस्ट हेल्प देम टू बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है इतने अपने टेक्निकल वर्क के साथ साथ वो थोड़े थोड़े शॉर्ट uh, शॉर्ट uh, मतलब uh, चीज़ों में उस uh, जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट uh, हो रहा है उसके बारे में जाने ये ये हमें टेक्निकल डाइजेस्ट से हेल्प uh, मिलती है कैटेगरीज ऑफ़ टेक्निकल डाइजेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं जैसे टॉप मैनेजर मिडल सुपरवाइज़र मैनेजर एंड ऑपरेटर लेवल पर्सनल तो यहाँ पे टेक्निकल डाइडजस्ट में ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा अब इसके अंदर भी सब सब कैटेगरीज जैसे टॉप मैनेजर के अंदर ये ये सब आते हैं जैसे कोऑपरेटिव मैनेजर टोटल क्वालिटी एस्पेक्ट लास्ट में एक्सटर्नल रेगुलेशन ये सब ये वैसे आता नहीं है प्लानिंग एंड डाइजेस्ट फॉर द इसको भी एक बार देख लेना आप कुछ खास है नहीं इसमें बाकी ये था आज का लेक्चर जो कि इसके साथ ही हमारा जो ब्लॉक सेकेंड है टू टू एट का वो कंप्लीट होता है और आई आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और अब तो हम एक एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं टू टू एट का तो सेकेंड बुक का हमने पूरा एक एक करके ही पढ़ाया है तो इसी तरीके से पढ़ते रहें और कोई भी डाउट हो तो बेजिजग का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें इससे पहले हमने और वीडियो डाल दिए हैं अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद